बड़े लंबे समय बाद अपने इंस्टा पर एक पोस्ट किया है। ज्योति सिंह ने लिखा है कि ज़्यादा की ख्वाहिश नहीं मुझे, थोड़ा ही हो, मर्जी का हो, सुकून हो। यानी कि बहुत बड़ी बात कह दी है ज्योति सिंह ने। और ज्योति सिंह के हर एक पोस्ट के बाद एक नई बातें सामने आती हैं। वो कभी खुलकर तो नहीं कहती हैं अपने पोस्ट में, लेकिन दबे छुपे लफ्ज़ों में वो बहुत कुछ कह जाती हैं। उनका ये पोस्ट इस मायने से फ़ैन लगा रहे हैं, उन्हें पवन सिंह के ऐशो आराम की कोई ज़रूरत नहीं है। वो यहाँ यही कहना चाहती हैं कि थोड़ा ही हो लेकिन सुकून भरा हो। वैसे आपको बता दें कि यहाँ पर ज्योति सिंह ने जो फ़ोटो पोस्ट की है बहुत ही खूबसूरत लग रही है, बहुत ही प्यारी साड़ी उन्होंने पहनी है। साथ ही उन्होंने अपने मांग में सिंदूर भी भरा हुआ है, जो कि बहुत लंबे अरसे बाद ऐसी फ़ोटो आपने उनकी देखी है। अदरवाइज़ वो अपने ग्रुप में अपने भाई बहनों के साथ या फिर पार्टी करते हुए फ़ोटो पोस्ट करती हैं। यहाँ पर उन्होंने ये तो मेंशन नहीं किया है कि उनके साथ फ़ोटो में कौन कौन है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जिसके साथ है ये सुकून के पल है उनके लिए, तभी तो उन्होंने इस तरह का पोस्ट लिखा। साथ ही साथ आपको हम यहाँ ये भी बता दें, इनके फैंस जो हैं ज्योति सिंह के सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और हमेशा इनसे ये क्वेश्चन करते ही रहते हैं कि कब आप पवन सिंह के साथ अपनी फ़ोटो को पोस्ट करेंगी। इस पर रिप्लाई तो ये कभी नहीं करती, लेकिन पवन सिंह के साथ फ़ोटो भी पोस्ट नहीं करती। लेकिन पिछले कुछ समय में उन्होंने पवन के गानों पर रील बनाई है और उसे पोस्ट किया है अपने इंस्टा पर, अपने रील पर। तो उससे फैंस काफ़ी अटैच्ड भी रहते हैं, पवन के फैंस इन्हें कुछ ज़्यादा ही फॉलो करते हैं। ये सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली सभी भोजपुरी स्टार वाइफों में सबसे ज़्यादा है और इनकी फ़ैन फॉलोइंग भी सबसे ज़्यादा है। क्या कहना चाहेंगे ज्योति के इस अंदाज़ के बारे में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।